नहीं चलेगी, पुलिस प्रशासन की निंदा नीति नहीं चलेगी, पुलिस प्रशासन मध्य प्रदेश में एक कांग्रेस विधायक को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आपसी खींचतान बढ़ रही है। कुछ सोशल मीडिया में पोस्ट वायरल हो रही है जहां कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में गई विधायक का जबरदस्त विरोध शुरू हो गया है। खबर मध्य प्रदेश के सागर के बीना से जुड़ी है जहां बीते दिन सोशल मीडिया में जमकर हल्ला रहा कि कांग्रेस से विधायक जिन्होंने 5 मई 2024 को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, अब वो निर्मला सप्रे वापस कांग्रेस में जा रही हैं। कांग्रेस के बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात हुई है। इसी बीच बीना में सोशल मीडिया में एक के बाद एक पोस्ट जारी होने लगी हैं। निर्मला सप्रे कुछ बोली नहीं है, लेकिन इस बात का कोई उन्होंने खंडन नहीं किया है, ना ही कोई पोस्ट जारी की है। तब बीना जिला बनाओ संघर्ष के हीरो हन्नू राजपूत की अचानक 1 बजे गिरफ्तारी हो जाती है। ठाकुर समाज के साथ पूर्व विधायक महेश राय हन्नू को छुड़ाने थाने पहुंच जाते, लेकिन TI चतुर निकले, मैडम के फोन की पूरी निभाते गए और 15 मिनट आधा घंटे में छोड़ देंगे, यह बात नेताओं से कहते रहे और ठाकुर समाज से कहते गए। देर शाम को उन्होंने हन्नू पर 151 धारा लगाकर तहसीलदार के न्यायालय में उन्हें पेश किया और जमानत पर हन्नू राजपूत बाहर आ गए। अब ठाकुर अगर बिगड़ गया तो फिर क्या होगा? ठाकुर ने एक विधायक को पूर्व विधायक बना दिया। अब निर्मला से ठाकुर समाज नाराज हो गया, यह खबर लगातार सामने आ रही है। डायलॉग सिर्फ यहाँ है, यहाँ जाट नहीं, ठाकुर अगर बिगड़ गया तो विधायक का क्या होगा? निर्मला सप्रे पर संवैधानिक संकट है। अगर वो 7 दिन के अंदर इस्तीफा देने या कांग्रेस में वापस जाने की बात नहीं करती हैं, तो वो विधानसभा से अपदस्थ हो सकती हैं। नरेंद्र सिंह तोमर जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, उन्होंने उन्हें अंतिम नोटिस दिया है। वही खबर है कि कांग्रेस निर्मला को पार्टी में नहीं लेना चाहती है और निर्मला इस्तीफा क्यों नहीं दे रही, यह तो कांग्रेस भी नहीं बता पा रही है और विधायक खुद नहीं बता पा रही है। लेकिन फिलहाल एक अनना सा लौंडा हन्नू राजपूत बीना में चर्चाओं में आ गया। जो जेल जाएगा, जो थाने जाएगा, वही बीना का हीरो बनेगा। फिलहाल ठाकुर समाज की नाराजगी साफ झलक रही है। जिनको हमने जिताया वही हमें आंखें दिखा रहे हैं। खबर यह भी है कि बीना जिला बनाओगे तभी यहां से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ये बात बिल्कुल 16 आने सच होती दिखाई दे रही है। निर्मला भी यह बात जानती है, भाजपा भी जानती है, कांग्रेस भी जानती है, जनता भी जानती है। अब फैसला भगवान जाने किसको करना है। पुष्पेंद्र सिंह राजपूत, सागर एक्सप्रेस न्यूज़, बीना।